थोड़ी सी और आगे डिजिट्स की प्रॉब्लम पढ़ते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। इट इज सेकंड लेक्चर क्रैश कोर्स के लिए। हम कंप्लीट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को चार लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। डिजिट्स प्रॉब्लम में एक और पार्ट करते हैं क्योंकि डिजिट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा आते हैं पीएनसी में। जेई मेंस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, मेरे पास डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4। हम चल इससे मैं 4 डिजिट नंबर बनाता हूं नंबर विदाउट रिपीटेशन। मैंने इससे 4 डिजिट नंबर बनाया विदाउट रिपीटेशन में नंबर फॉर्म कर रहा हूं। तो मुझे मालूम है कि 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट के नंबर बना रहे हैं, 4×4 दैट मींस 24। हम टोटल डिफरेंट 24 नंबर्स बना सकते हैं। व्हाट आई एम आस्किंग फॉर, मैंने क्वेश्चन में पूछा फाइंड सम ऑफ ऑल द नंबर्स सो फॉर्म। यानी कि इस तरीके से जितने भी 24 नंबर्स बने उन सब का सम निकालना। मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं। मान लेते हैं मेरे पास 1, 2, 3 तीन ही डिजिट है। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि व्हाट वी आर आस्किंग फॉर, हम क्या पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन में। और इससे मैं 3 डिजिट का नंबर बनाता हूँ, तो इससे 3 डिजिट के नंबर्स बन सकते हैं। जो डिफरेंट नंबर्स बन सकते हैं दे आर दीज आर द 6 3 डिजिट नंबर्स जो हम इन डिजिट से बना सकते हैं विदाउट रिपीटेशन। 6 नंबर्स हैं और मुझे इन सबका सम चाहिए। अब मैंने यही क्वेश्चन बोला 4 डिजिट्स हैं, टोटल नंबर्स हम कितने बना सकते हैं, 24 डिफरेंट नंबर्स बना सकते हैं। नंबर्स तो हम नहीं लिख पाएंगे, 3 डिजिट के नंबर मैंने लिख के देखे ये होते हैं। 4 डिजिट के नंबर हम चेक नहीं कर पाएंगे कि कितने नंबर्स हम इससे फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जितने भी नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं उन सबका सम, दैट मीन्स मुझे इन सबका सम की जरूरत है। सम कैसे कैलकुलेट करेंगे करते हैं इस क्वेश्चन को। फोर डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4 24 नंबर्स हम टोटल 24 नंबर्स हम बना सकते हैं, इतना मुझे पता है। उनका सम मुझे रिक्वायर्ड है। 4 डिजिट नंबर जो 24 नंबर्स होंगे वो कुछ इस टाइप से होंगे, 1 नंबर 2 नंबर। मैं डायरेक्टली फॉर्मूले पे नहीं जा रहा हूँ, मैं इसमें आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, दैट इज 24 नंबर। और इस टाइप के 24 नंबर्स हम बना रहे हैं। हम डायरेक्टली फॉर्मूले पे नहीं आ रहे, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, सो दैट कि अगर क्वेश्चन में थोड़ा भी कुछ चेंजेस अगर वो कर देता है तो हम एग्जाम के टाइम पे अपने क्वेश्चन को उसी तरीके से मोल्ड कर पाए। अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो दीज आर 4 डिजिट एंड इस टाइप की 24 डिजिट्स हैं। तो मैं इन क्वेश्चन में क्या करता हूँ, मैं इसको डिजिट वाइज ऐड कर देता हूँ। डिजिट वाइज ऐड करने का मतलब मैं केवल इसकी पहली डिजिट को जोड़ देता हूँ। ये पहली डिजिट नहीं है, अगर मैं चेक करता हूं तो दीज आर 24 डिजिट्स, 24 डिजिट्स होंगी। उन 24 डिजिट्स में कुछ जगह पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे 5 आ रहा होगा, क्योंकि नंबर तो हम 1, 2, 3, 4 से बना रहे हैं। तो ये 24 डिजिट्स हैं, अलग अलग नंबर आ रहे होंगे, किसी में 1 होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 3, किसी में 4, बट दीज आर टोटल 24 डिजिट्स। तो अगर इन 24 डिजिट्स में से हर एक के लास्ट में इन्हीं में से कुछ आना है तो इट इज श्योर कि उसमें से 6 नंबर्स ऐसे होंगे जिनके लास्ट में 1 आ रहा होगा। 24 में से 6 नंबर्स ऐसे होंगे जिनके लास्ट में 1 होगा। नॉट नेसेसरी कि स्टार्टिंग में हो, कहीं भी हो सकता है, बट ओवरऑल 6 प्लेसेस पे 1 होगा, 6 प्लेसेस पर ही 2 होगा, 6 प्लेसेस पर ही 3 होगा, 6 प्लेसेस पर ही 4 होगा। तो अगर मैं केवल इन्हीं डिजिट्स की बात करता हूँ तो मेरे पास ये जो 24 डिजिट्स हैं इन 24 डिजिट्स में से 6 जगह पर 1 है, 6 प्लेस पर 2 है, 6 प्लेस पर 3 है, 6 प्लेस पर 4 है, 6 1 है, 6 ही 2 है, 6 ही 3 है, 6 ही 4 है। कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हो गया होगा। 24 डिजिट्स हैं, डिफरेंट डिजिट्स, लास्ट में केवल 1, 2, 3, 4 में से कुछ आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि 6 जगह पर 1 आ रहा होगा, कहीं भी आ रहा होगा, पर इन ऑल टोटल 6 जगह पर 1 होगा। तो अगर मैं केवल इन्हीं प्लेसेस इन्हीं डिजिट्स को जोड़ देता हूं तो 6 इनका सम 12, 18, 24, तो इट इज द सम 60। यानी कि अगर मैं केवल और केवल इसी डिजिट को जोड़ देता हूं तो इसका सम जो आएगा, इस वाली डिजिट को जोड़ने का जो सम आएगा, दैट वुड बी ओनली 60, उसका सम 60 होगा। सिमिलरली अगर मैं सेकंड डिजिट की बात करता हूं, ये भी 24 डिजिट्स हैं, 24 डिजिट्स हैं, इनके लास्ट में भी 1, 2, 3, 4 इन्हीं में से कुछ आ रहा होगा। 1, 2, 3, 4 का सीधा सा मतलब हो गया कि 24 डिजिट्स हैं तो इनमें भी 6 जगह पे 1 होगा, 6 प्लेस पर 2 होगा, 6 प्लेस पर 3 होगा, 6 प्लेस पर ही 4 होगा इन वाली डिजिट्स में भी। तो अगर मैं इन सबको भी जोड़ता हूँ तो इनका सम भी 60 ही आएगा।
लेकिन इनका सम 60 ना आकर इनका सम जो आएगा दैट वुड बी 600, क्यों? क्योंकि ये टेंस प्लेस पर है, इसका सम तो 60 है लेकिन प्लेस वैल्यू की वजह से इनको अगर तुम जोड़ोगे तो इनका सम जो आएगा वो दैट वुड बी 600। ऐसे ही अगर मैं तीसरी डिजिट की बात करूं, इस वाली डिजिट की बात करूं, तो सम तो इसका भी 60 ही आएगा, 24 डिजिट से सेम कंसेप्ट, लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी दैट वुड बी 6000 और इसकी जो वैल्यू होगी दैट वुड बी 60000। तो अगर मैं टोटल नंबर के बात करता हूँ, मैंने अपने नंबर को डिजिट वाइज छोड़ दिया, तो दैट वुड बी 60000 प्लस 6000 प्लस 600 प्लस 60, तो इट वुड बी 66660। इट वुड बी द सम ऑफ ऑल द डिजिट सो फॉर्म, ऑल द नंबर्स सो फॉर्म, यानी कि हम 1, 2, 3, 4 से 4 डिजिट के जितने डिफरेंट नंबर्स बना सकते हैं विदाउट रिपीटेशन, 24 ही डिफरेंट नंबर्स हम बना सकते हैं विदाउट रिपीटेशन, उन सब का सम जो आएगा दैट वुड बी दिस वन। हम अपने क्वेश्चन में डिजिट वाइज जोड़ देते हैं, हम ये चेक कर लेते हैं कि लार्ज डिजिट में क्या क्या कौन सी कितनी जगह प्लेसेस पर आना चाहिए। इसके बाद देखते हैं, ये तो डिजिट्स वाली बात, इसके बाद देखते हैं टर्म आती है एक्सपोनेंट, एक फिर से इंपॉर्टेंट टर्म है। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब एक्सपोनेंट इन फैक्टोरियल है। एक्सपोनेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने मान लो केवल एग्जांपल ले रहा हूं मैं, फैक्टोरियल 5 लिया, फैक्टोरियल 5 सभी को पता है इट इज 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये फैक्टोरियल 5 है। अगर मैं चेक करता हूं कि इसमें 2 की कितनी पावर्स आती हैं, अगर मैं चेक करूं कि 2 की कितनी पावर्स आती हैं, तो मैं ध्यान से देखता हूँ 2 की पावर तो ये है, 2 की 2 पावर्स ये हैं, तो ओवरऑल इट हैज 2 raised to power 3, ये सब प्रोडक्ट में, तो ये सारी प्रोडक्ट में नहीं, तो फैक्टोरियल 5 में 2 की 3 पावर्स आती हैं, इट इज नोन एज एक्सपोनेंट। इसको हम इस टाइप से लिखते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 5 इज 3। फैक्टोरियल 5 में 2 की जो पावर है वो 3 है। मान लेते हैं मैं फैक्टोरियल 10 ले लूँ, फैक्टोरियल 10 अगर मैं ले लेता हूँ तो फैक्टोरियल 10 का मतलब हो गया 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये हो गया मेरे पास फैक्टोरियल 10 का मतलब। 2 की पावर्स की बात करते हैं, एक पावर यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 2 की पावर यहाँ पे, 3 पावर्स हैं, यहाँ पे एक पावर है, इफ यू हैव 3 4 7 8, इट इज 2 raised to power 8 हियर। तो इसका सीधा सा मतलब कि फैक्टोरियल 10 में 2 की 8 पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। ये तो रही बात छोटे नंबर्स की, फैक्टोरियल 10 में मैंने लिख के देख लिया, लेकिन अगर ये ही वो चीज फैक्टोरियल 100 में पूछ ले तो दिक्कत वाली चीज। अगर उसने सिंपली क्वेश्चन आपसे, हम लिख तो नहीं सकते हैं, उसने सिंपली आपसे ये पूछ लिया क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन से सॉल्व करा देता हूँ इस वाले कंसेप्ट को, ही इज जस्ट आस्किंग यू फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100 में 2 की कितनी पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। अब मैं वो काउंट तो नहीं कर सकता, तो हम अपने दूसरे लॉजिकल उस पर तरीके पे चले आते हैं, डायरेक्ट टेस्ट पे चले आते हैं। एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर सभी ने पढ़ा हो, इट इज समथिंग दिस वन, इट इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर मैं इसमें इनपुट डालता हूँ 2.5 तो आउटपुट जो आएगा वो 2 आएगा। इसमें इनपुट जो भी जाता है, कुछ भी पॉइंट इसमें अंदर जा रहा हो, नंबर लाइन पे उसके लेफ्ट में जो इंटीजर होता है वो इसका रिजल्ट होता है। तो हम यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्सपोनेंट को कैलकुलेट करने में कर रहे हैं। जिस भी फैक्टोरियल में मुझे ये एक्सपोनेंट कैलकुलेट करना है, तो इट इज 100 को डिवाइड करो 2 की पावर 0 से, प्लस 100 को डिवाइड करो 2 की पावर 1 से, प्लस 100 को मैंने डिवाइड करा 2 की पावर 2 से, प्लस 100 को मैंने डिवाइड करा 2 की पावर 3 से, टिल कहां तक, इनफाइनाइट तक। इट इज नंबर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ एनी नंबर, एनी नंबर भी नहीं कहना चाहिए। ये जो तरीका है ये केवल और केवल प्राइम नंबर्स का एक्सपोनेंट कैलकुलेट करने का तरीका है, कि प्राइम नंबर्स की कोई, जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, कि 2 की कितनी पावर्स इसमें एग्जिस्ट करती है वो कैलकुलेट करने का तरीका है। इस मेथड के थ्रू मैं इससे
कोई और नंबर जैसे 6 की पावर है 12 की पावर से वो कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा इस तरीके से, वो भी करेंगे अभी लेकिन हम इससे नहीं कर पाएंगे। प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट कैलकुलेट करना है, मैं डायरेक्टली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे चला जाता हूँ। व्हाट वी आर डूइंग, हम उस नंबर को 2 की पावर से डिवाइड करते जा रहे हैं और इनफाइनाइट तक ये सीरीज हमारे पास जाती है। 2 की पावर 1 जीरो से नहीं स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस वन, 2 की पावर 1 से। 2 की पावर 1 से डिवाइड किया, 2 की पावर 2 से डिवाइड किया, 2 की पावर 3 से डिवाइड किया, टिल जहां तक भी ये सीरीज जा रही है। तो अगर मैं इस 102 को 2 की पावर 1 से डिवाइड करता हूं यहां पे तो वैल्यू वुड बी 50। 2 की पावर 1 2 से डिवाइड करा 50 बाहर 50 आ जाएगा। 2 की पावर 2 से डिवाइड करा, 2 की पावर 2 मींस 4, 4 से मैं 100 को डिवाइड करूंगा तो अंदर कितना जाएगा 25, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 25 ही होगा। ये आ गया मेरे पास 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 को मैं डिवाइड करता हूं 2 की पावर 3 का मतलब 8 से मैं 100 को डिवाइड करता हूं तो वी गेट 12.5। यहां पे आता है 12.5, इसके अंदर 12.5 आया ग्रेटेस्ट इंटीजर उसको बना देता है 12। नेक्स्ट आएगा 2 की पावर 4 यानी कि 16 से मैं 100 को डिवाइड करूंगा, 16 से 100 को डिवाइड करूंगा तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर केवल 6 प्रोवाइड करेगा आपको। 2 की पावर 5 32 से डिवाइड करूंगा, नेक्स्ट पावर 100 को 32 से डिवाइड करूंगा तो वी गेट 3 पॉइंट समथिंग, ग्रेटेस्ट इंटीजर उसको 3 बना देगा। उसके बाद में 64 से डिवाइड करूंगा, 64 से डिवाइड करने पर 1 पॉइंट कुछ आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर उसको 1 बना के प्रोवाइड करेगा। 64 के बाद में 100 को डिवाइड करूंगा टिल जाते रहते, यहाँ पे आएगा 100/128 जब 2 की पावर 7 है ये, एंड इट इज 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट कुछ जो आएगा, 0 पॉइंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको 0 बना देगा। और अगर मैं इसकी और आगे की पावर से भी डिवाइड करता हूँ 256 से डिवाइड करता हूँ वो भी 0 पॉइंट समथिंग, या आगे की सारी इनफाइनाइट पावर्स 0 ही प्रोवाइड करेंगी तो मैक्सिमम यहाँ तक मिलेगा। और इफ वी ऐड दिस ऑल इट इज 75 12 87 and 97 75 plus 12 87 it is 97 so it is 2 raised to power 97, यानी कि फैक्टोरियल 100 में 2 की 97 पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि फैक्टोरियल 100 को मैक्सिमम 2 की कितनी पावर से हम डिवाइड कर सकते हैं तो दैट इज 97। हम 2 की मैक्सिमम 97 पावर से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं फैक्टोरियल 100 को। लेकिन अगर इसमें कोई और नंबर आ जाए, जैसे मान लो मुझे 5 कैलकुलेट करना होता कि एक्सपोनेंट ऑफ 5 हम इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर मैं इसमें एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकालता हूं फैक्टोरियल 100 में, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 100, तो मैं वही करूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में 100/5 की पावर 1 प्लस 100/5 की पावर 2 प्लस 100/5 की पावर 3 एंड टिल इनफाइनाइट। अगर मैं इसको इवैल्यूएट करता हूँ, 100 को मैंने 5 से डिवाइड करा 20, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको 20 ये बना के दे देगा। 100 को मैंने 25 से डिवाइड करा इट इज 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको 4 ही बना के देगा। 100 को 125 से डिवाइड करूंगा 125 से डिवाइड करता हूँ मैं, 100 को 125 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 0 पॉइंट समथिंग, वैल्यू 0 ही मिलेगी और आगे की सारी पावर 0 ही प्रोवाइड करेंगी तो दैट इज ओनली 24। यानी कि फैक्टोरियल 100 में 5 की केवल 24 पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। हम ग्रेटेस्ट इंटीजर से क्या कर सकते हैं, किसी भी फैक्टोरियल में किसी भी प्राइम नंबर की जितनी पावर्स एग्जिस्ट करते हैं उसको कैलकुलेट करने का एक आसान सा तरीका है। लेकिन अगर ये प्राइम नंबर ना हो, जैसे कि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन, इट वाज जस्ट सेइंग फाइंड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 100। उसने केवल एक सिंपल से ही क्वेश्चन आपसे पूछा कि फैक्टोरियल 100 के लास्ट में कितनी जीरोस आती हैं। किसी भी नंबर के लास्ट में उतनी ही जीरोस आती हैं जितने उसमें 10 की पावर्स होंगी। अब 10 की पावर्स फैक्टोरियल 100 में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन से तो कैलकुलेट कर नहीं सकते क्योंकि 10 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर मुझे 10 की पावर्स कैलकुलेट करनी है तो आप ये देखो, ये जो 10 बनता है ये 2 और 5 से मिलकर बनता है,
इन प्राइम नंबर्स की टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो इसको मैंने 2 और 5 के पावर्स में ब्रेक कर दिया। तो मैं इसमें क्या करूंगा, फैक्टोरियल 100 में 2 की पावर्स कैलकुलेट करूंगा और 5 की पावर्स कैलकुलेट करूंगा। तो हमने अभी कैलकुलेट करा फैक्टोरियल 100 में, मुझे मालूम है 2 की पावर 97 आता है और 5 की पावर अगर मुझे देखा 24 आता है। और भी चीजें आती हैं बट 2 और 5 की पावर यही आती है, 10 के लिए मुझे 2 और 5 की जरूरत है, बाकी क्या आता है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम इसमें एक चीज देखें ध्यान से, एवरी 2 और 5 मिलकर 10 बना देंगे, लेकिन मैं 10 मैक्सिमम कितनी बार बना पाऊंगा, मैं 10 मैक्सिमम 24 टाइम्स बना पाऊंगा, क्योंकि उसके बाद 2 तो बचा रहेगा, 2 की तो और भी बहुत सारी पावर्स हैं जो बची रह जाएंगी, लेकिन 5 कंप्लीट हो जाएगा, 5 खत्म हो जाएगा। तो मैं 10 की मैक्सिमम कितनी पावर्स बना सकता हूँ, 10 की मैक्सिमम 24 पावर्स ही हम बना सकते हैं, क्योंकि उसके बाद 5 तो बची रहेगी मेरे पास। तो नंबर ऑफ, इसमें 10 की पावर 24 एग्जिस्ट करती है, तो नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ, अगर इसमें 10 की पावर 24 एग्जिस्ट करती है तो ये नंबर कितना भी बड़ा हो, बहुत बड़ा नंबर है हम इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि इस नंबर के लास्ट में, फैक्टोरियल 100 के लास्ट में इफ विच है, तो फैक्टोरियल 100 के लास्ट में 10 की ये 24 जीरोज ही एग्जिस्ट करेंगे, 24 जीरोज इसके लास्ट में आ रही होंगी। यही रही बात हमारे पास एक्सपोनेंट की। इसके बाद एक हम पढ़ते हैं डिवाइजर्स, फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिवाइजर्स का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं एक नंबर में छोटा सा नंबर लिया 12। डिवाइजर्स का मतलब ऐसे कितने नंबर्स हैं जो इसको डिवाइड करते हैं, विच डिवाइड्स 12। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं विच डिवाइड्स 12, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 2 को 1 डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 करता है, 4 करता है, 6 करता है, 12 करता है, 1 2 3 4 5 6, दीज आर नंबर ऑफ डिवाइजर्स, 12 की 6 डिवाइजर्स हैं, टोटल नंबर जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं दे आर 6। 60 ले लेते हैं, छोटा सा और नंबर ले लेते हैं, 60 के डिवाइजर्स में, 60 के डिवाइजर्स में जो इसको डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5 कर देता है, 6 करता है, 6 के बाद 10 करेगा, 12 करेगा, 15 करेगा, 20 भी करेगा, 30 करेगा, 60 करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल इसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो हैं दे आर 12 ऐसे नंबर्स हैं विच डिवाइड्स 60, जो 60 को डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर हो जाए बाई चांस, अब ये 12 है 60 है, ये तो मैंने केवल समझाने के लिए कि डिवाइजर्स होता क्या है वो मैंने बताया, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर है, मैंने केवल और केवल कैलकुलेट कर लिया, ही जस्ट आस्किंग यू फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ, एक नंबर मैंने ले लिया, कोई भी नंबर ले लेते हैं 38808, एक मैंने नंबर ये ले लिया और मैंने पूछ लिया कि इसके डिवाइजर्स कितने हैं। अब ये बड़ा नंबर है, मैं इसको डायरेक्टली तो लिख नहीं सकता हूँ कि इसको कौन कौन से नंबर्स डिवाइड करते हैं, तो जब कभी भी मुझे नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने होते हैं तो व्हाट वी डू, वी गो फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन, हम इसके प्राइम फैक्टर्स में इसको हम ब्रेक करते हैं, यानी कि अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर्स में इसको ब्रेक करता हूँ तो इट इज समथिंग 2 की पावर 3 आ जाएगा, 2 से 3 बार चला जाएगा, 3 से 2 बार जा रहा है, 7 से 2 बार जा रहा है, 11 से 1 बार जा रहा है, कोई भी नंबर है उसके डिवाइजर्स आपको कैलकुलेट करने हैं तो आप क्या करो उसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दो। प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करा, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करने का तरीका क्यों मैंने ऐसा किया, इस 11 यानी कि अगर मैं 11 की बात करूं तो इसमें 11 की पावर 1 आ रही है, तो कुछ ऐसे डिवाइजर्स होंगे जिसमें 11 की पावर 0 यानी कि उसमें 11 आ ही नहीं रहा होगा, समथिंग लाइक 4 भी इसको डिवाइड करता है लेकिन उसमें 0, 11 की पावर 0 का इफेक्ट है। कुछ ऐसे नंबर्स भी होंगे जिसमें 11 की पावर 1 का इफेक्ट होगा, यानी कि समथिंग मान लेते हैं 22 वुड बी ए नंबर जो इसको डिवाइड करता है लेकिन उसमें 11 की कितनी पावर आ रही है, 1 आ रही है। तो जो अगर मैं डिवाइजर्स की बात करता हूँ तो इसमें ऐसे नंबर्स होंगे जिसमें या तो 11 की पावर या तो 0 आ रही होगी या 11 की पावर 1 आ रही होगी, यानी कि इस 11 को यूज करने के कितने तरीके हैं, 2 ही तरीके हैं। ऐसे 7 को यूज करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। कुछ ऐसे नंबर जिसमें 7 की पावर 0 आ रही होगी, 7 की पावर 0 मीन्स उसमें 7 आई नहीं होगा, जस्ट लाइक 4, या 7 की पावर 1 आ रही होगी जस्ट लाइक 14,
ये 7 की पावर 2 आ रही होगी जस्ट लाइक 49 49 भी इसको डिवाइड कर देगा, लेकिन उसमें किसका इफेक्ट है, 7 की 2 पावर्स का इफेक्ट है। तो कुछ ऐसे डिवाइजेस होंगे, यानी कि 7 को यूज करने के 3 तरीके हैं, ऐसे 3 को यूज करने के कितने तरीके हैं, 3, और 2 को यूज करने के 4 तरीके, क्योंकि 2 की पावर 3 है। तो कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिसमें 2 की पावर 0 का इफेक्ट होगा, 1 का इफेक्ट होगा, 2 का इफेक्ट होगा, 3 का इफेक्ट होगा, दीज आर दिस वन। तो ये रही मेरे पास 2 को यूज करने कितने तरीके। हम फिर से डिवाइजर्स पे आते हैं, हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई भी बड़ा नंबर है उसके मुझे नंबर ऑफ डिवाइजर्स की बात करनी है, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स बड़ा नंबर है कैलकुलेट करने का आसान सा तरीका क्या होता है कि मैं उसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर देता हूँ। तो प्राइम फैक्टर्स में तो किसी भी नंबर को ब्रेक कोई भी कर सकता है, आसान सा तरीका है। जितनी भी ये पावर्स आ रही है इन सबको एक एक बढ़ा दो। एक क्यों बढ़ा रहे हैं, फिर से समझो क्यों बढ़ा रहे हैं। 11 की पावर 1 है लेकिन यूज करने के तरीके 2, 7 की पावर 2 है लेकिन यूज करने के तरीके 3। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस जो हो गए दे आर 4 × 3 × 3 × 2 दैट इज 72, यानी कि इसमें टोटल 72 डिवाइसेस हैं। ऐसे अगर मैं इसको लिख के देखता हूं तो इसमें 72 ऐसे नंबर्स आ जाएंगे जो इसको डिवाइड करते हैं। उन 72 डिवाइसेस में ध्यान रखना इंक्लूडिंग 1 and 38808 itself, ये जो सारे डिवाइजर्स आते हैं इसमें 1 और ये इंक्लूडिंग होता है। क्यों 1 कैसे इंक्लूड होता है, एक ऐसा नंबर जिसमें 2 की पावर भी 0 आ रही है, 3 की पावर भी 0 आ रही है, 7 की पावर भी 0 आ रही है, 11 की पावर भी 0 आ रही है, इट इज 1, एक नंबर ऐसा भी होगा इसमें, और इटसेल्फ भी होगा। इटसेल्फ का मतलब एक ऐसा नंबर भी होगा जिसमें 2 की पावर 3 आ रही होगी, 3 की पावर 2 आ रही होगी, 7 की पावर 2 आ रही होगी, 11 की पावर 1 आ रही होगी, एक ऐसा नंबर भी होगा। तो इनमें जो हम ये नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालते हैं पावर को एक एक इंक्रीज कराकर 72 डिवाइजर्स आए हैं, इसमें 1 और इटसेल्फ इंक्लूडिंग होता है। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने का आसान सा तरीका, रिमेंबर जो 1 और इटसेल्फ नंबर होता है इट इज नोन एज इम्प्रॉपर डिवाइजर्स, और इसके साथ में बाकी के जो नंबर्स होंगे 70 नंबर और बचेंगे 72 टोटल डिवाइजर्स हैं, 2 नंबर्स ये हो गए, उन 72 में से 2 नंबर्स को मैं हटा दूं तो बाकी बचेंगे 70 और भी नंबर्स होंगे जो इसको डिवाइड करेंगे, दे ऑल आर नोन एज प्रॉपर डिवाइजर्स। तो अगर वो कभी ऐसा कुछ पूछ ले कि इसके कितने डिवाइजर्स हैं, टोटल डिवाइजर्स 72 है, इफ यू आस्क टू फाइंड इट्स प्रॉपर नंबर ऑफ डिवाइजर्स, प्रॉपर डिवाइजर्स कितने होंगे इसके, तो इसमें से मैंने 2 हटा दिए, 2 इम्प्रॉपर हैं, बाकी बचे मेरे पास 70 नंबर, तो सारे 70 नंबर जो होंगे दे आर द प्रॉपर डिवाइजर्स। इसमें जो सेकंड चीज वो पूछता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स के, अच्छा इसमें एक और चीज देख लेते हैं, इवन एंड ऑड डिवाइजर्स, ऑड नंबर्स, ऑड डिवाइजर्स कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसमें 2 की पावर 3 को छोड़ दूं तो इससे जितने भी डिवाइजर्स बने वो सारे के सारे ऑड होंगे, क्योंकि इसमें 2 तो आ ही नहीं होगा, तो 2 नहीं आने का तरीका, इससे कितने डिवाइजर्स बन सकते हैं, अगर मैं सारे 2 को छोड़ दिया तो जो अगर मैं ऑड डिवाइजर्स की बात करता हूँ, ऑड डिवाइजर्स की अगर मैं बात करता हूँ, इसको छोड़ दिया, इफेक्टिवली 3 × 3 × 2 दैट मीन्स 18, तो उन 72 में से 18 डिवाइजर्स ऐसे होंगे जो कि ऑड होंगे और बाकी के बचे हुए इवन डिवाइजर्स। हालांकि हम इवन भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, मान लो मुझे इसमें इवन निकालना है, ऑड समझना आ गया, ऑड के लिए हम क्या करते हैं, ऑड के लिए मैंने केवल और केवल 2 को हटा दिया सर, 2 की सारी पावर्स को हटा दिया, तो सारे डिवाइजर्स ऑड होंगे मेरे पास। इवन की बात कर लेते हैं, इवन डिवाइजर्स ये टोटल डिवाइजर्स हैं, अगर मैं इसमें से 2 बाहर ले लूं, अंदर बचेगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 7 की पावर 2, 11 की पावर 1, अब ये जितने भी डिवाइजर्स हैं वो सारे के सारे इस 2 से मल्टीप्लाई हैं, तो सारे के सारे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये सारे डिवाइजर्स जो आएंगे दे वुड बी इवन डिवाइजर्स। वो सारे के सारे कौन से डिवाइजर्स होंगे, इवन डिवाइजर्स होंगे, कितने आएंगे, 3 × 3 × 3 × 2 इट इज 54, और हम इसको वैसे भी निकाल सकते हैं, टोटल 72 में से ऑड 18 इट इज अगेन 54। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मैं पहले टोटल निकालूं ऑड निकाल के उसको घटाऊं, मैं डायरेक्टली इसमें से इवन डिवाइजर्स भी निकाल सकता हूं। दिस वन समटाइम्स ही सेज कि ऐसे डिवाइजर्स चाहिए जो कि विचार था मल्टीपल ऑफ 18, तो अगर मल्टीपल ऑफ 18 की बात करते हैं तो हम इसमें से 18 पहले ही बाहर निकाल लेते हैं, अगर मैं मल्टीपल ऑफ 18 की बात कर लेता हूं
तो मैं इसमें से 18 पहले बाहर निकाल लेता हूँ। मैंने इसमें से 3 की पावर 2 × 2 की पावर 1 को बाहर निकाल लिया। अंदर कितना बचा? 2 की पावर 2, 7 की पावर 2 एंड 11 की पावर 1। ये जितने भी डिवाइडर्स हैं वो सारे के सारे 18 से मल्टीप्लाई हैं, तो सारे के सारे 18 के मल्टीपल्स होंगे। और ये डिवाइडर्स कितने हैं? 3 × 3 × 2 दैट आर 18। तो 18 के मल्टीपल भी 18 डिवाइडर्स ही होंगे। ये रही बात डिवाइडर्स की। डिवाइडर्स में एक और जो चीज वो तुमसे पूछ लेता है, दैट इज सम ऑफ ऑल द डिवाइडर्स। मैं छोटे नंबर से बता रहा हूं, मैंने 60 नंबर लिया केवल एक्सप्लेन करने के लिए। 60 के डिवाइडर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 and 60। दीज आर 12 ऑल द डिवाइडर्स ऑफ 60, सम ऑफ डिवाइडर्स। इन सबको जोड़ दी, दैट इज अ सम। लेकिन ये छोटे नंबर की बात है, बड़े नंबर में व्हाट वी डू, मैं क्या करता हूं, इसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक किया। 60 को मैंने प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करा, तो इट इज 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। इट इज 60 प्राइम फैक्टर्स में, किसी भी नंबर को हम ब्रेक कर सकते हैं। डिवाइडर्स कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिसमें 2 की पावर 0 का इफेक्ट होगा, 2 की पावर 1 का इफेक्ट होगा, 2 की पावर 2 का इफेक्ट होगा। कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिसमें 3 की पावर 0 का इफेक्ट होगा, 3 की पावर 1 का इफेक्ट होगा। कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिसमें 5 की पावर 0 का इफेक्ट होगा, 5 की पावर 1 का इफेक्ट होगा। ऐसे नंबर्स होंगे मेरे पास। एक्चुअली ये क्या है, कोई भी डिवाइडर्स इनको पिक करके ही तो बनता है। जैसे कोई नंबर एक है, ये है 2, इसका डिवाइजर है, कहां से आया, इसमें 2 की पावर 1 का इफेक्ट है, 3 की पावर 0 का इफेक्ट, 5 की पावर 0 का इफेक्ट। तो ये सारे एक्चुअली अगर हम देखें तो दीज ऑल आर डिवाइजर्स, और इन सब का सम कैलकुलेट करना है तो मैं केवल ये कर देता हूं। व्हाट वी गेट, इट इज 4 × 6 × 7 × 4 × 6। व्हाट एवर वी गेट, इन सब का सम भी यही आएगा। तो हम क्या करते हैं, कभी भी सम ऑफ डिवाइजर्स मुझे कैलकुलेट करना हो, सारे डिवाइजर्स का सम कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक किया और उसको कुछ इस तरीके से अलग अलग डिवाइजर्स के फॉर्म में लिखकर सिंपली एड अप करा दिया। तो इट इज सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स। तो डिजिट से रिलेटेड यही प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट पार्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं।